मॉर्निंग स्टूडेंट, आज के हमने चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दिया है सॉल्व बाय चार मिनट का है। क्वेश्चन है जेड इक्वल टू पी क्यू। तो फॉर्मेट हम वैसे ही अप्लाई करते हैं। हमारी फर्स्ट स्टेप क्या होगी, क्वेश्चन को एफ के इक्वल रखना है। तो एफ इक्वल टू जेड, पी क्यू को ट्रांसफर किया, माइनस पी क्यू इक्वल टू जीरो। फिर हमें क्या करना है, पांचों वेरिएबल एक्स वाई जेड पी क्यू के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करना है। डेल एफ बाय डेल एक्स, एक्स नहीं है तो जीरो। डेल एफ बाय डेल वाई, वाई भी नहीं है, डिफरेंशिएशन जीरो। डेल एफ बाय डेल जेड हो गया वन। डेल एफ बाय डेल वी हुआ माइनस क्यू और डेल एफ बाय डेल क्यू हुआ माइनस क्यू। पार्शियल डिफरेंशिएशन करने के बाद चार मिनट की ऑक्सिलरी इक्वेशन में पुट करना है। तो ये है हमारी चार मिनट की ऑक्सिलरी इक्वेशन, इसे आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर डेल एफ बाय डेल एक्स, डेल एफ बाय डेल जेड, डेल एफ बाय डेल वाई, डेल एफ बाय डेल वी, डेल एफ बाय डेल क्यू, सबकी वैल्यू पुट करनी है। ये देखिए हमने सारी वैल्यू पुट की है, उसको सिंप्लीफाई किया है। नेक्स्ट हमने क्या करा, फर्स्ट टू रेशियो ले लिया और इसको इंटीग्रेट किया। तो डी पी अपॉन पी इक्वल टू डी पी अपॉन क्यू इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा लॉग पी, लॉग क्यू प्लस कॉन्स्टेंट भी आएगा लॉग सी। तो लॉग पी प्लस लॉग क्यू में लॉग सी में हमने क्या कर लिया है, लॉग की प्रॉपर्टी बता दी। तो लॉग सी क्यू आ गया, लॉग से लॉग कैंसिल, पी इक्वल टू सी। अब इस पी इक्वल टू सी क्यू को हमें क्या करना है, अपने क्वेश्चन फर्स्ट में पुट अप करना है। तो हमने पुट अप किया तो जेड इक्वल टू क्या हो गया, पी क्यू में हमने वैल्यू पुट अप की पी की सी क्यू। तो सी क्यू स्क्वायर पे यहाँ से क्यू निकला, सी ट्रांसफर हुआ तो रूट ऑफ जेड बाय सी आ गया। अब क्यू की वैल्यू आ गई है, उसे हम पुट कर दोगे यहाँ, पी में पुट कर दोगे ताकि परफेक्ट पी आ जाए। तो यहाँ पुट कर देंगे तो हमने यहाँ पुट कर दिया है जेड बाय सी, सिंप्लीफाई किया, पी इक्वल टू रूट ऑफ सी जेड हो गया। फिर हम क्या करेंगे, पी और क्यू की दोनों की वैल्यू को हम पुट करेंगे, डी जेड इक्वल टू पी डी एच प्लस क्यू डी वाई, स्टैंडर्ड फॉर्म में हम यहाँ पुट कर देंगे। जैसे हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन में पी और क्यू की वैल्यू पुट अप की, यहाँ पी और यहाँ क्यू, फिर हमने क्या करा, सी हमारा कॉन्स्टेंट था उसको अनदर कॉन्स्टेंट ले लिया, ए स्क्वायर सी की जगह ए स्क्वायर रखा तो ए रूट से बाहर आ गया, यहाँ पर सी स्क्वायर ए तो हो गया ए। रूट जेड दोनों से कॉमन लेंगे हमारा ट्रांसफर किया तो डी जेड अपॉन रूट जेड आ गया। इसको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट किया तो ये आया टू रूट जेड, एक ही बार रेशियो लेके हमने क्या करा, इंटीग्रेट कर दिया है। तो यहाँ पे जो पी की वैल्यू निकली